हेलो एवरीवन, मैं आज ढोकला तैयार कर रही हूँ। मैं तीन तरह का ढोकला आपको बताऊंगी। बेसिक ढोकला यही है जिसमें मैंने एक कटोरी बेसन, पौनी कटोरी सूजी और चुटकी भर मैंने हल्दी और हाफ स्पून मैंने टीएसपी लिया है नमक का, और 1 टीएसपी लिया है मैंने शुगर का, और 1 टीएसपी लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल का, या कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसको अच्छे से हिला लिया। एक कटोरी मैंने दही भी डाली है और एक कटोरी मैंने पानी डाला है इतने बेसन में। और इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, बल्कि इससे भी थोड़ा सा आप मतलब देखो ये फ्लुएंटली नीचे गिर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इतना ही होना चाहिए। बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा और मैं पानी लूंगी, आपको दिखा देती हूँ। ये 2 स्पून और ले लिया मैंने, तो मैंने इसको अच्छे से इसको हिला लिया। बेसिक यही है हमारा ढोकला। और टमटम ढोकला बनाऊंगी और एक खमड़ी ढोकला आपको बताऊंगी। ये आपका ढोकला बेस रेडी है। अब इसको बेस को मैंने ग्रीस कर लिया है इस थाली को, और इस कढ़ाई में मैं बनाऊंगी। और मैंने काफी सारा पानी ले लिया है आपके सामने, और एक कड़ा रख लिया है जिसके ऊपर मैं ये थाली प्लेस करूंगी। और मैंने प्री हीट कर रही हूँ इसको, और अब मैं थाली में ये ढोकला तब डालती हूँ जब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में इनो डालेंगे। 1 चम्मच इनो डल जाएगा। और ये कटोरी का मैंने नाप लिया है, इस कटोरी से मैंने हर चीज को, क्वांटिटी को नापा है। अब नेक्स्ट चलिए, ये 1 चम्मच मैं ले रही हूँ इनो का, और ये मेरा, और इसको अच्छे से बस मिक्स करना है। एयर बबल्स को हमने रिमूव नहीं करना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमने बड़े आराम आराम से हिला के रखना है। एयर बबल्स को रिमूव बिल्कुल भी नहीं करना, और जब हमने पोर करना है तो उसी वक्त हमने ये डालना है। चाहे आप बेकिंग सोडा डालो, चाहे आप ये डालो, तो कुछ भी डालने से पहले। और ये मैं गुजराती डिश बना रही हूँ, और ये सबकी फेवरेट होती है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और अब मैंने ज़्यादा देर नहीं हिलाया, 30 सेकेंड्स भी नहीं हुए होंगे मेरे ख्याल से, तो बस ये हमारा रेडी है। और मैंने ज़्यादा नहीं हिलाना इसको, बस अब मैंने इसको पोर कर दिया। मैंने इसमें प्लेस कर दिया। अब इसको ढकना है, मैं इसको ढक्कन से ढकने लगी हूँ, और 15 मिनट्स लग जाएंगे फिर भी इसको, 10 to 15 मिनट्स। तो हेलो गाइस, ये खमन ढोकला रेडी हो गया है हमारा, जिसे हम नायलन ढोकला भी बोलते हैं। इसमें कितनी अच्छी जाली बनी हुई है, अभी बाद में दिखाऊंगी। अभी मैंने ना तो काटा है इसको, अभी इसके ऊपर पहले मैं तड़का लगाने लगी हूँ, तो तड़के के बाद आपको बताती हूँ ये कैसा होगा। हेलो, अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। 2-3 टेबल स्पून्स मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। और उसमें मैंने चटकने के लिए ये राई डालूंगी, मैं बारीक वाली राई यूज करती हूँ, और 1 चम्मच डाल दूंगी इसमें लगभग। पॉज करते रहो बेटा, पॉज करते रहो थोड़ी सी। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी थोड़ी सी, और कड़ी पत्ते को मैं काट के डालती हूँ इसमें, इससे और भी फ्लेवर अच्छा एनहांस हो जाता है कड़ी पत्ते का। वगैरह 2 मिनट में हो गई है रेडी हमारे सब कुछ, कड़ी पत्ता भी अंदर से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी में हम 4 चम्मच चीनी के डाल देंगे, पूरे 4 चम्मच, मैंने थोड़ा कम डाल दिया था मुझसे। और 4 चम्मच चीनी के डाल के, जैसे हम स्कंजवी का मटेरियल तैयार करते हैं जिसमें हम 1 लेमन डालेंगे,
आप आधा लेमन मतलब 1.5 लेमन डाल सकते हो, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसको टेस्ट भी कर लेना जिससे इस कंजवी का टेस्ट आए। और इसमें नमक डालेंगे हम, काला नमक 1/2 TSP डालेंगे काला नमक हम। चीनी डाल चुके हैं, चीनी को घुलने तक इंतजार करेंगे हम और गैस अब फ्लेम हाई कर देंगे। ये मैंने लेमन जूस लिया था जो मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है, 1.5 TSP ले लिया था, और 1/2 TSP लिया था मैंने काला नमक। इसी तड़के में डाल लिया है ये हम खमन ढोकले का तड़का रेडी कर रहे हैं। टमटम ढोकले का मैं आपको फिर से बताऊंगी, उसके लिए डियर्स एक चाहिए, ये सब कुछ तो चाहिए, और इसमें ऐड हो जाएंगे तिल, वाइट तिल। व्हाइट तिल आज मेरे पास घर पे नहीं है तो सो सॉरी, बट और भी चीजें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप उसको बना सकते हो और किस तरह तरीके से वो दिखता है। तो थैंक यू। ढोकले के ऊपर रेडी मटेरियल डालने लगी हूँ जो मैंने अभी तड़का रेडी किया है। ये मैं पहले इसलिए डालने लगी हूँ, थोड़ा सा पहले डालूंगी और फिर ठंडा होने के बाद जब इसको कट करूंगी तो उसके बाद फिर से डालूंगी। और ये हाफ मैं इसका ये मटेरियल का मिक्सचर का रख लूंगी, इसका मैं हाफ रख लूंगी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि गार्निश के लिए हम इसके लिए धनिया लेंगे और साथ में हम कोकोनट लेंगे कद्दूकस किया हुआ। रेडीमेड भी आता है ड्राई कोकोनट, तो मैंने तो वही रखा हुआ है क्योंकि कई बार किसी के पास टाइम नहीं होता लाने का, तो ये चीजें घर पे बन जाती हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब ये मटेरियल जब तक इसके ऊपर अंदर तक अच्छे से चले जाता है और ठंडा हो जाएगा तब हम इसको काटेंगे। हाँ जी, ये मैं अब कट करने लगी हूँ क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। जैसे हम केक को कट करते हैं ना ऐसे साइडों से, ये देखो कितने आराम से निकल रहा है, ये कितने आराम से निकल रहा है। तो ये देखो एक बार भी चिपका नहीं है नीचे, तो ये बहुत ही इजीली निकल जाता है, ये देखिए। और इसमें जाली देखो कितनी अच्छी बनी है, ये कितना सॉफ्ट है, इसको उल्ट पलट के भी आप इसको इसमें पानी डाल सकते हो। थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसको, अब पहले हमने सीधे से डाला था अब उल्टे से डाल रहे हैं, इसमें पूरा पानी चले जाएगा पूरे तरीके से।